गाइस नमस्कार प्रणाम गुड मॉर्निंग वेलकम टू न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में स्वागत है। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस। और आज है मड़वा, तो मड़वा में देख सकते हो 9:30 बज चुका है, 10 बज चुका है और मैं रेडी सेडी हो चुकी हूँ तैयार। तो ऐसे इस तरह से लुक हमारा है और ये भी न्यू साड़ी है, न्यू ही पहन, और मेरे को डालते ही नहीं जाना है और काम भी इधर है। देखते हैं क्या, जल्दी पूछ लेती हूँ दीदी लोग से, पूछ लेंगे अभी काम है या नहीं है। तो 2 घंटा के अंदर मुझे आना है, लेकिन मैं जाती हूँ तो लेट ही हो जाती है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। और क्या चीज़ क्या चीज़ प्रोग्राम हो रहा है वो आपको दिखाएंगे। वो यहाँ पे बाहर में बन रहे नाश्ता वगैरह, और ये यहाँ पे मैं आई थी कि शायद मैं दिखाऊँ आपको क्या चीज़ क्या चीज़ बन रहा है, लेकिन हमारे पापा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। मुझे डर से मैं आगे नहीं गई थी, इसीलिए मुझे बाहर ही लौट के आना पड़ा। मुझे डर लगती है ज़्यादा। तो यहाँ देख सकते हो हल्दी फिर से लग रहा है, यहाँ पे हल्दी लग रहा है। और हल्दी लगाने के बाद में यहाँ पे जो ससुराल से तेल वगैरह काजल वगैरह आता है ना, वो लग रहा है। और यहाँ पे मड़वा है, मड़वा के दिन ना हम लोग को बहुत सारा काम हो जाता है, फंक्शन भी है, बहुत नियम कानून भी यहाँ पे है, नियम से ही होता है। और हर किसी का सबका अपना अपना अलग अलग नियम होता है, तो इसी तरह से हमारे यहाँ भी अपना अपना सबका नियम है। गीत भी गाया जा रहा है, गीत भी गाते हैं, और गीत अगर नहीं गाएंगे तो भाई बिना ऐसे ही कर्मठ बिना गीत की नहीं होती है। तो यहाँ पे गीत भी गाया जा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा मैं वॉल्यूम इसमें ये कर दी हूँ, कम कर दी हूँ, ताकि आपको भी सुनने में अच्छा लगेगा, ठीक है। गीत बिना ना हर कर्मठ फीका होता है हर फंक्शन, तो इसी तरह से किया जा रहा है। तो हमारे गाइस हमारे ब्लॉग में आप बने रहिए। आज का दिन का हमारा मड़वा में क्या ची क्या ची होगा वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे गाइस। और इस तरह से है, और यहाँ पे देख सकते हो हमारी सिया जो है ना दुल्हन वो बैठी हुई है, और इधर है चुमावन हो रही है। चुमावन होने के बाद में काजल वगैरह लग रहा है, और काजल लगने समय जो श्रृंगार होता है ना, तो यहाँ भी गीत भी गाया जा रहा है अपना। तो यहाँ पे गीत वगैरह गा करके फिर चुमावन भी होगा, चुमावन छोटकी चुमारी। और मैं इधर वीडियो वगैरह पहले ही मैंने चुमा ली थी, वीडियो मैं कर रही थी, तो छोटकी इधर चुमारी भी देख सकते हो आप। और यहाँ पे मुझे ना बाहर जाना है, बाहर इधर मैं बाहर का नज़ारा भी दिखा दे रही हूँ। ढोल वगैरह सब यहाँ पे है, और यहाँ पे आने के बाद में ना देख सकते हो आप पैर वगैरह रंगाया जा रहा है, और पैर रंगाने के बाद में महावर लग रहा है, जैसे हम लोग अलता बोलते हैं। और यहाँ पे ना पूरा इसी तरह से झिल्ली भी बटोरा जा रहा है, झिल्ली बटोरा गया है, और यहाँ पे सगनौती पारा जा रहा है। तो इसलिए तो ऐसे ही सगनौती पर आता है, और दुल्हन को ना गाइज हमारे ब्लॉग में अपना सच बता रहे हैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत मतलब बड़ी हो जाएगी, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो आपको हर पार्टी फंक्शन देखने को मिलेगा इस तरह से, भाई गांव की शादी इस तरह से हो रही है हमारे यहाँ। और मिडिल फैमिली, और मतलब यहाँ बड़ा हो या मिडिल फैमिली हो, तो हमारे यहाँ प्लामू साइड में इसी तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर और हम लोग धूप में बैठे हुए हैं इस तरह से यहाँ पे, और यहाँ पे ना ये उड़द दाल को सगनौती पर आता है, तो हम लोग सगनौती सब मिल करके पार रहे हैं। तो जो हम लोग गोतनी लोग होते हैं ना, गोतनी जेठानी सब मिल करके सगनौती पारा जा रहा है। और ये हमारा बाबू जो है ना सत्यम, वही रिकॉर्ड कर रहा है पूरा घुमा घुमा करके, बहुत अच्छा ही किया था, बहुत अच्छा लगा। और इसका वीडियो रिकॉर्ड करना मुझे बहुत पसंद लगती है, और ये बहुत अच्छा से ही कर लेता है, तो बाबू को ही दे दिए थे। और ये देख सकते हो सारे ये बकरी डॉगी पीछे साइड में, और ज़्यादा शायद भर गया था ना, तो हम लोग ना दो पन्नी में मैं मंगाई हुई थी। और इसका जो ये जो है ना सगनौती पर आ रहा है, तो इसका आज का काम है, आज ये काम लगेगा, ये बारात के टाइम लगेगा। तो हम लोग बैठ बैठ करके ये ज़्यादा शायद उड़द दाल पिसा चुका था, तो यहाँ पे ना ये हम मैं ना ये कर दी हूँ बहुत अच्छा। और यहाँ पर भी गीत गवा रहा है गाइस, देख सकते हो थोड़ा थोड़ा मैं वॉइस इसमें ये ऐड कर दे रही हूँ, और गीत का ना वॉल्यूम थोड़ा। तो हमारा यहाँ पे मड़वा आज हो रहा है, मड़वा हो रहा है ना, तो हमारा तैयार सियार हो चुके थे, और जा करके सगनौती पर आ रहा है, सगनौती वगैरह पार करके आ गए हैं रूम में अंदर। और फिर इसके बाद में होगा यहाँ पे कल्याणी होगा, कल्याणी वगैरह हो गए, उसके बाद शाम में होगी
देखने को मिलेगा। यहाँ पे आज इतना भीड़ है ना, इतना भीड़ है यहाँ पे, इतना भीड़ कभी नहीं होता है। लगन में भी होता है और छठ पूजा कोई अगर त्यौहार होता है ना तो पचमुहान में इतना भीड़ होती है। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ ब्यूटी पार्लर। हेलो दोस्तों, मैं फर्स्ट टाइम ये करा रही हूँ, फेशियल नहीं करा रहे। क्या करवा रहे हैं जी बता दीजिए? ब्लीच करा रहे हैं। हमारा फेस देख सकते हो ऐसे है। और यहाँ पे हमारी छोटकी है, छोटकी को भी करना है। इधर साइड से मैं बैक साइड से आपको दिखा दे रही हूँ। ये देखो हमारी छोटकी बैठी हुई है, उसको भी बोल रहे कि थोड़ा सा तुम भी करवा लो। ये देखो छोटकी भूतनी बन करके बैठी हुई है, मेरा तो हो चुका है। और इसका 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट के बाद इसका भी चेकअप हो जाएगा। और मैं ये देख सकते हो हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे ना बांस पूजा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बांस भी पूजे हैं। बांस पूजने समय ना गीत भी गाया जाता है और मैं इधर वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। और शायद मुझे लगा कि बता दूँगी तो अच्छा रहेगा, आपको समझ में भी आएगा हम लोग क्या चीज़ यहाँ पे कर्मठ कर रहे हैं। और इसी तरह से यहाँ पे ये हमारे जमाई राजा हैं बड़े पौ ये वाले, तो ये देख सकते हो हम लोग जो है ना यहाँ पे पूजा वगैरह कर रहे हैं, बांस पूजन कर रहे हैं। और यहाँ पे छोटकी भी आ रही है पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद में हम लोग इसी तरह से सारे लोग एक एक करके पूजा बांस पूजेंगे और गीत भी गवाया जा रहा है। तो और यहाँ पे निकल चुके हैं माटी कोड़ने के लिए। और हम लोग सोच रहे थे ना कि 5 बजे के लगभग कर दे, माटी कोड़ाई हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा सपरते सपरते तैयार वगैरह होते होते लेट हो गया था। और हम लोग को ना मार्केट में ही चार बजे हम लोग आए हुए थे यहाँ पे। और इसी तरह से हम लोग जा रहे हैं माटी कोड़ने के लिए और सारे लोग ऐसे ही है। इस बार पूरा काफ़ी भीड़ है और आज का लगन बहुत ज़्यादा है इसके वजह से, नहीं तो ज़्यादा भीड़ हो जाती है मटकुड़वा में। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और मैं वीडियो यहाँ कर दी हूँ फास्ट, और जल्दी जल्दी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे। और मुझे लगा कि ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, लेकिन हम लोग ना फर्स्ट टाइम मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं पहुँचे थे, हम लोग जल्दी ही पहुँच चुके थे वहाँ पे। 6 बजे हमारी मटकुड़वा वहाँ पे 6-7 बज गई थी, 6-7 बजे हम लोग पहुँच गए थे। और हमारी मटकुड़वा ज़्यादा दूरी पर नहीं है, नज़दीक ही है, तो हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। तो जहाँ पे हमारा खेत है ना वहीं पे हमारा माटी कोड़ाता है यहाँ पे, तो हम लोग धीरे धीरे करके ऐसे ही एक 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 करके जा रहे हैं। और फिर यहाँ पे गए जब हम लोग पहुँच चुके हैं माटी जहाँ कोड़ाता है ना हमारे यहाँ पे, और सारी लाइट यहाँ पे मोबाइल से ही काम चल रही है। और हम लोग सोच रहे थे कि लाइट गैस वगैरह भरवा दें, लेकिन हड़बड़ में हमारा गैस नहीं भराया था और यहाँ पे ना ये कर दिए थे उतार के। और ये भी बैगिंग यहाँ पे ना पाहन रांची तरफ पाहन बोलते हैं, हम मेरे यहाँ तरफ बैगिन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारा ये हो रहा है, काम कर रहे हैं, ये पूजा कर रहे हैं सबसे पहले जो गाँवों के ये देवता होता होते हैं ना अपना, तो वो पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हो चुका है और हम लोग को यहाँ पे दुल्हन की तरफ से यहाँ पे माटी वगैरह मिलेगा। और ये है ना कसैली और अच्छा तो वगैरह मिल रहा है और ये सब यहाँ पे ऐसे ही किया जा रहा है। तो गाइज कैसा लगता है कमेंट भी कीजिएगा हमारे ब्लॉग में, अगर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि बहुत लाइक के भी ज़्यादा महत्व है, शेयर के भी, और कमेंट ज़रूर कीजिए गाइज, ताकि हमारा शादी किस तरह से गांव की शादी लग रहा है।
तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, तो ही हमको पता चलेगा ना मुझे कि किस तरह से मैं वीडियो डालूं। और गाइस देख सकते हो यहाँ पे माटी कुड़ाना स्टार्ट हो चुकी है, हम लोग माटी ले चुके हैं। तो ये जो बहन लोग हैं ना, जितने बहन भतीजी वगैरह सारे लोग और ये सब कोड़ते हैं, भतीजी नहीं जैसे भाई भाई है, भतीजी नहीं कोड़ती है, भाई बुआ ऐसे करके सब कोड़ते हैं। और फिलहाल हमारी हो चुकी है माटी कोड़े और मैं घर आ चुकी हूँ और ये देख सकते हो यहाँ पे आ चुकी। तो गाइस हम लोग खाना वगैरह खा चुके हैं, मटकोड़वा हो गया है कम्प्लीट, मटकोड़वा कोड़ के आ गए हैं। और अभी फिलहाल मैं मेहंदी लगा रही हूँ और खाना वगैरह हो रहा है, खाना वगैरह हो चुका है, खाना हम लोग खा गए, खा लिए, मेहंदी लगा रहे हैं और काफ़ी बज रहा है, मतलब नींद लग रही है काफ़ी। और 10:30 बज गया है, 11 बजने वाला है, तो नींद तो लगना बहुत ही है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बना रहे और खाना खाए ना, लेट से फास्टिंग किए थे, मटकी लेने वाले हैं ना, मटकोड़वा वाला में ये सब खाना खाने के लिए नहीं होता है, मना होता है। एक हम लोग का ये फंक्शन है जो माटी हम लोग, यहाँ पे रात में हो रहा है मेहंदी सेरेमनी लग रहा है और यहाँ पे मेहंदी लगा रहे हैं इधर, और इस तरह से मेहंदी लग रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ, पूरा इधर उधर करके। और 11:30 बज चुका है और दुल्हन का बुआ को भी लग गया है, दिखाइए बुआ हम लगा दिए हैं, बुआ के भौजी लगा दिए। मड़वा हुआ कंप्लीट, देख सकते हो मड़वा गड़ा गया है ये वाला, और बाकी कल मड़वा कंप्लीट होगा। और ये नियम के लिए बन, मतलब मड़वा ऐसे ही फिलहाल अभी हुआ है और कल पूरा कंप्लीट। तो काफ़ी लेट हो चुकी है और 11:30 बजने वाला है, बज चुका है। और वीडियो कैसा लगता है लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू टॉपिक के साथ। और आप पूरा ब्लॉग आपको मिलेगा शादी वाली।